बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है ना अब तक का स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार है, और सीए जी को इसका जांच करना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ईमानदार हैं और बिहारियों से प्यार करते हैं, बिहारियों से नफरत नहीं करते हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग का एक बार सीए जी से जांच कराएंगे। बिहार के यशस्वी नेता बिहार के गरीबों का और बिहार का विकास किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए। ये सारा एम्बुलेंस जो आज कीचड़ में है, जर्जर स्थिति में है, वो उन नेताओं का कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र बता रहा है। ये देखिए सारा एम्बुलेंस जो है वो कीचड़ में है, और सारा एयर कंडीशन हाईटेक एम्बुलेंस है, डायल 102 और डायल 108 है। एक तरफ से इस एम्बुलेंसों के पीछे से मिट्टी भरा जा रहा है, तो दूसरे तरफ इस एम्बुलेंसों के आगे दलदल है। आप जब 102 पे फोन करते हैं या 108 पे फोन करते हैं, तो वहां का कोई भी कर्मचारी कभी ये नहीं कहता है कि एम्बुलेंस नहीं पहुंचेगा, लेकिन एम्बुलेंस आधा घंटा में पहुंचेगा, एक घंटा में पहुंचेगा, 24 घंटा में पहुंचेगा या 24 दिन में पहुंचेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तब तक मरीज जो है ना वो घर पे ही दम तोड़ देता है। यह हिंदुस्तान है, यहाँ पे पिज्जा आधा घंटा में आपको मिल जाता है, लेकिन एम्बुलेंस आपको आधा घंटा में नहीं मिलता है। उसका रीजन यही है कि नए नए एम्बुलेंस को जर्जर करके और कीचड़ में धसा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, और इन सबूतों को मिटा दिया जाता है। क्या इस प्रकार से हिंदुस्तान का विकास होगा? क्या इस प्रकार से बिहार का विकास होगा? सवाल बहुत बड़ा है, आखिर हमारी बर्बादी का कारण क्या है और हमें बर्बाद करने वाले कौन से लोग हैं? ये बापू धाम है यानी मोतिहारी है, यानी बापू की कर्म भूमि है, और बापू की कर्म भूमि पे आप देख रहे हैं यहां पे कितने सारे एम्बुलेंस जो है जर्जर स्थिति में हैं। 102 पे फोन कीजिए, वहां पे आदमी फोन रिसीव करता है और कहता है कि एम्बुलेंस अभी रास्ते पे है। क्या यही रास्ता है? क्या यहाँ पे एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर से लाके रखा गया है? ये अस्पताल के पीछे एम्बुलेंस क्यों छिपाया गया है? ये सामने क्यों नहीं है? और ये है मोतिहारी जहां पे नरेंद्र मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि बापू की कर्म भूमि है ये चंपारण, और बापू इसी चंपारण से महान हुए थे, हम भी इसी चंपारण से चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं, और देश का प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो मोदी जी, और उन्हीं मोदी जी के नेता जो है वो एम्बुलेंस को जर्जर स्थिति में कर देते हैं। यह सवाल किया जाए कि नहीं किया जाए? यह सरकार की संपत्ति नहीं है, यह जनता की संपत्ति है। हम लोग टैक्स पे करते हैं तो यह एम्बुलेंस खरीदा जाता है, और यह एम्बुलेंस खरीदने के बाद इसे बर्बाद कर दिया जाता है। इन सभी एम्बुलेंसों का नंबर चेक होना चाहिए, और चेक होना चाहिए कितना किलोमीटर चला है। यह सारा एम्बुलेंस सिर्फ कागजों पे चलता है, और एक एम्बुलेंस जो छोटा वाला होता है, सबसे छोटा वाला, उससे 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ कमाया जाता है, और यह बड़ा वाला एम्बुलेंस है 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ नेताओं को कमाने का मौका देता है। और जरा सोचिए, अगर एक नेता 25 एम्बुलेंस को इस प्रकार की जर्जर स्थिति में कर देता है, तो वो 5 साल में कम से कम 10 करोड़ रुपया कमाता है। इसलिए बिहार में एम्बुलेंस घोटाला हो रहा है। और जरा सोचिए, बिहार हिंदुस्तान का नहीं पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा जगह है जहां पे नेता एम्बुलेंस का भी घोटाला कर जाते हैं। क्या यहाँ का अस्पताल प्रशासन ने यह लिखित में स्वास्थ्य विभाग को दिया है क्या कि हमारे यहाँ इतना एम्बुलेंस डायल 102 खराब हो चुका है? नहीं दिया होगा। क्यों? क्योंकि उनके कागज में आज भी एम्बुलेंस दिन रात जो है ना सायरन बजाते हुए दौड़ रहा है। एक एम्बुलेंस पे 1 लाख रुपया का डीजल दिखाते हैं, 20 हजार रुपया का ड्राइवर दिखाते हैं, 50 हजार रुपया का मेंटेनेंस दिखाते हैं, और 50 हजार रुपया का मेडिसिन जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर और ना जाने क्या क्या चीज दिखाते हैं। जरा सोचिए कि कितना बड़ा घोटाला होता है एक एम्बुलेंस से। और ऐसे जगह ये लोग लगाए हैं कि ताकि आसानी से लोग ना जा पाए, फिर भी हम जाएंगे और इस सच्चाई को दिखाएंगे। बिहार सरकार के तरफ से बिहार के सभी गरीब लोगों के लिए एम्बुलेंस चलाया जाता है। कागज पे ये एम्बुलेंस दिन रात दौड़ रहा है, और सच्चाई में यह है कि इस एम्बुलेंस को मिट्टी से ढकने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये देखिए, ये धीरे धीरे जो है इस एम्बुलेंस को यह सबूत ही मिटा दिया जाएगा,
ये मिट्टी के अंदर एम्बुलेंस चला जाएगा और कागज पे दौड़ता रहेगा धड़ल्ले से ये एम्बुलेंस। और देखिए ये सब, ये सारा एम्बुलेंस जो है ना, नेशनल एम्बुलेंस सर्विस और स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार, मंगल पांडे जी इस चीज को दिखाएं कि नहीं दिखाएं। हमें पता है बिहार में स्वास्थ्य विभाग में सबसे आसानी तरीके से अगर भ्रष्टाचार करना है ना, तो एगो नेताजी 20 गो एम्बुलेंस का पैसा गबन कर जाए, 5 साल में उनको कम से कम 10 करोड़ रुपया कमीनी हो जाता है, क्योंकि एक एम्बुलेंस से एक महीना में वो लोग 5 लाख रुपया कमाते हैं। और इसीलिए बिहार में 200 किलोमीटर जाने के लिए 1 लाख रुपया एम्बुलेंस में अभी कोरोना काल में देना पड़ रहा है। सच्चाई है क्या? इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? अस्पताल प्रशासन दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, अगर नेता दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, अगर स्वास्थ्य मंत्री दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो, प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई की बात मैं नहीं करता हूं, नहीं तो लोग सोशल मीडिया पे गाली देना शुरू करते हैं। इसका नाम है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा। राष्ट्र का सेवा में जो एम्बुलेंस खड़ा रहता है उसको राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा कहते हैं। और ये क्या इसी प्रकार से सेवा करेगा राष्ट्र का? राष्ट्र के लोग जो है ना कोरोना में मर रहे हैं, उनको एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, और नए नए एम्बुलेंस को, अच्छे अच्छे एम्बुलेंस को यहाँ पे सड़ा दिया जा रहा है। मैं इस देश के सुप्रीम कोर्ट और बिहार के हाई कोर्ट से विनती करना चाहता हूं कि एक जांच कमेटी बैठाइए और स्वास्थ्य विभाग, जो बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विभाग होता है, जिसमें पता ही नहीं चलता है नेता ने 80% घोटाला किया, 90% घोटाला किया कि 99% घोटाला किया, उस विभाग का एक बार सीएजी से जांच होना चाहिए। अगर आप लोग ईमानदार हैं तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग का सीएजी से जांच करवाएंगे, और बेईमान है तो बिहार का स्वास्थ्य विभाग का सीएजी से जांच नहीं करवाएंगे। देखिए आपने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया है। पूरे बिहार में एम्बुलेंस चोरों का भरमार है, ये लोग आसानी से एम्बुलेंस को छिपा लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा एम्बुलेंस होता है जो मारुति ओमनी होता है, उसके बाद से ये बड़ा एम्बुलेंस, इसमें सब फैसिलिटी होता है, एयर कंडीशन होता है, गरीबों के लिए फ्री में चलाना होता है, उसके बाद से इससे भी बड़ा एक होता है जिसको मोबाइल वैन हॉस्पिटल बोलते हैं, और उसमें तो 5 से 10 लाख रुपया लोग कमा रहे हैं एक एक महीना में। अभी मुझे कल ही एक स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने फोन करके बताया कि मनीष जी आवाज उठाइए, नहीं तो ये भ्रष्ट लोग जो है ना गरीबों का विकास, लोगों का विकास, बिहार का विकास की बात कर करके जो है ना बिहार का सत्यानाश कर देंगे, बिहार के गरीब लोगों का सत्यानाश कर देंगे। मैं अभी जहां खड़ा हूं वहां पे चारों तरफ जर्जर हाल में एम्बुलेंस पड़ा हुआ है। इसने बिहार के मरीजों का कितना सेवा किया है, बिहार के लोगों से छिपा हुआ नहीं है। क्या इस चीज को दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? और बिहार के निकम्मे विधायक, सांसद, भ्रष्ट अधिकारी, आप लोग कान खोल के सुन लो, आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। इस जर्जर एम्बुलेंस पे अगर मैं चढ़ गया हूं तो लिख दोगे आप एक केस हमारे नाम पे कि सरकारी काम में मनीष कश्यप ने बाधा पहुंचाया है। क्यों बाधा पहुंचाया? क्योंकि ये एम्बुलेंस जर्जर स्थिति में यहाँ पे कीचड़ में छोड़ दिया गया है, और उस एम्बुलेंस पे चढ़ के उन भ्रष्ट लोगों का सच्चाई दिखाया है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से अगर कोई राज्य पीड़ित है ना, वो बिहार है, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ के नेता जो है ना वो शौचालय के साथ साथ एम्बुलेंस में भी घोटाला कर लेते हैं, और ये एम्बुलेंस घोटाला जो है ना बिहार के लोगों के सामने आना चाहिए। चारों तरफ आप दिखाइए घुमा के कि चारों तरफ एम्बुलेंस जर्जर स्थिति में है, देखिए हर जगह, और कीचड़ में फेंका गया है इन सभी एम्बुलेंसों को। और इसका जांच होना चाहिए कि नहीं जांच होना चाहिए? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आप ईमानदार हैं और बिहार के गरीबों का, बिहार के लोगों का भलाई देखना चाहते हैं, भलाई करना चाहते हैं ना, तो ये जांच का विषय है, और इस पे तत्काल जांच होना चाहिए और भ्रष्ट लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए कि आखिर इमरजेंसी 102 और 108 दोनों सेवा यहां पे है, दोनों प्रकार का एम्बुलेंस है, राज्य स्वास्थ्य समिति का एम्बुलेंस है, राष्ट्रीय सेवा का एम्बुलेंस है यहां पे, और फिर इन एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंस जर्जर स्थिति में क्यों है? हालांकि कुछ अधिकारियों के आंखों में मैं खटक रहा हूंगा, क्यों? क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करना है। जेसीबी से लाके यहाँ पे एम्बुलेंसों को फेंक दिया गया है, और कुछ दिन अगर और भी रह गया यहाँ पे तो कुछ तो एम्बुलेंस नीचे धस जाएगा और कुछ एम्बुलेंस के ऊपर मिट्टी डाल के जो है ना ये सारा सबूत मिटा दिया जाएगा। इन सबूतों को हम लोग दिखाएंगे, और बिहार के 12 करोड़ लोग, अगर आपके आंखों से
पार्टी और जाति का पट्टी हट जाएगा तो एक बार बिहार के विकास के लिए आवाज उठाना। बिहार में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो है ना अब तक का स्वास्थ्य विभाग का भ्रष्टाचार है और सीए जी को इसका जांच करना चाहिए। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप ईमानदार हैं और बिहारियों से प्यार करते हैं, बिहारियों से नफरत नहीं करते हैं, तो बिहार के स्वास्थ्य विभाग का एक बार सीए जी से जांच कराएंगे। अगर धृतराष्ट्र मोदी जी आप नहीं है तो जांच करवाइए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और भ्रष्ट लोग जेल के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम जैसे गरीब लोग जो है ये जामा खरीदते हैं ना, मास्कुआ खरीदता है ना मोदी जी, सैनिटाइजर खरीदता है ना और कोरोना का दवा खरीदता है, तो उस पर टैक्स देते हैं और उन्हीं टैक्स का पैसा का ये एम्बुलेंस खरीदाता है और इस एम्बुलेंस का घोटाला यहां के नेता और यहां के भ्रष्ट अधिकारी करते हैं। मेरी बातें अगर किसी भक्त को या किसी अंधभक्त को बुरी लग जाए तो मैं माफी चाहता हूं, मैं बिहार के तरफ खड़ा हूं। आप किसी पार्टी के तरफ खड़े हैं तो उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर हमारा ये वीडियो लोगों को अच्छा लगे और लगे कि देश के लोगों के सामने इस प्रकार का भ्रष्टाचार का उजागर होना चाहिए और जिन नेताओं के आंखों पे धृतराष्ट्र जैसे भ्रष्टाचार नामक पट्टी बंधा हुआ है वो जनता के सामने एक्सपोज होना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। संस्तक के लिए बापू के कर्म भूमि मोतिहारी के सरकारी अस्पताल से मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।